नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट हेल्प नेपाल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने Redmi या फिर Poco मोबाइल का कैश फाइल क्लियर कर सकते हैं। आप लोग अपने Redmi अथवा Poco मोबाइल में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे सेटिंग में कि स्टोरेज अदर फाइल से ही फुल हुआ हुआ है। जैसे कि इस मोबाइल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर अबाउट फोन में जाएंगे और स्टोरेज में जाएंगे तो अदर फाइल ने ही बहुत सारा डाटा ले चुका है हमारे मोबाइल का। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस मोबाइल में भी 12 GB अदर फाइल फुल हुआ है और इस मोबाइल में 17 GB फुल हुआ है अदर फाइल से। तो अदर फाइल होता है क्या है? बेसिकली ये अदर फाइल होता है, इसमें कैश फाइल भी जोड़ा हुआ होता है और साथ में ऐसा फाइल जो मीडिया के बाहर का फाइल है वो सब इसी में जुड़ जाता है। जैसे कि आपका ऑडियो वीडियो का फाइल हुआ तो वो यहाँ पर जुड़ता है, उसके अलावा बाकी सारा डाटा है सो अदर फाइल में चला जाता है। जैसे कि कोई ऐप आप इंस्टॉल करते हैं उसका फाइल बनता है, वो सब अदर डाटा में चला जाता है और मेन इसमें डेटा रहता है कैश का। तो आप लोग इस अदर फाइल को क्लियर कैसे करें, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग क्लियर कर सकते हैं अपने मोबाइल का कैश फाइल। जैसे कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन सब यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कैश फाइल बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई सा एप्लीकेशन हो गया, जैसे कि आप लोग फेसबुक का ही देख लीजिए। फेसबुक एप्लीकेशन के ऐप डाटा में जाएंगे तो आप देख सकते हैं 0.92 GB स्टोरेज लिया हुआ है और देख सकते हैं कैश फाइल 280 MB बन चुका है। और आप लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी ऐप में क्लीनर में जाते हैं, क्लीनर में जाने के बाद फिर भी कैश क्लियर नहीं होता है क्योंकि ये क्लीनर से वो कैश फाइल को क्लियर नहीं कर पाता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको कि आप रेडमी अथवा पोको मोबाइल में कैसे कैश को क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही आसान मेथड में बताऊंगा। और आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं, नेपाली और हिंदी दोनों भाषा में वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी में ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग ये हिंदी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इसमें मैंने हिंदी का चैनल भी एक बनाया हुआ है, वहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले दिन में मैं हिंदी वीडियो उसी चैनल पर डालने वाला हूँ। तो चलते हैं आप अपने वीडियो की तरफ। आपको कैश फाइल क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा सबसे पहले और एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको जिसका नाम एक्टिविटी लॉन्चर है। आप लोग गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही आ जाएगा एक्टिविटी लॉन्चर, उसको क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। जैसे कि मैंने इंस्टॉल कर लिया है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा उसके बाद ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ डिस्क्लेमर बताएगा, उसको आप ओके कर दीजिएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके मोबाइल को। उसके बाद इसको लोडिंग होने में टाइम लगेगा तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, 30 से 35 सेकेंड में ये लोडिंग हो जाएगा। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। एक बार आपको सर्च में जाके स्टोरेज सर्च करना है, उसके बाद आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और नीचे आप देखेंगे सेटिंग पर आए हुए, सेटिंग पर एक बार क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, नीचे जाना होगा। आप लोग एक देखेंगे कि सेटिंग स्टोरेज डैशबोर्ड एक्टिविटी लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सेटिंग स्टोरेज डैशबोर्ड एक्टिविटी। तो इसको क्या करना है, आपको शॉर्टकट क्रिएट कर लेना है। शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए इसको परमिशन देना पड़ेगा। जैसे कि आप पहले एक्टिविटी लॉन्चर के ऐप डाटा में जाइएगा, ऐप इन्फो में जाने के बाद आपको क्या करना है, अदर परमिशन में जाकर होम स्क्रीन शॉर्टकट को इसको ऑलवेज पर क्लिक कर देना है। पहले ये डिनाई रहेगा, ऐसे लाल कलर में रहेगा, तो आप इसको क्लिक कीजिएगा और इसको अलाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपने एक्टिविटी लॉन्चर में जाइएगा और यहाँ पर मैंने बताया आपको कि ये स्टोरेज डैशबोर्ड एक्टिविटी है, उसको आपको शॉर्टकट क्रिएट कर देना है। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपके होम स्क्रीन पर एक शॉर्टकट बना देगा ये, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्टकट है स्टोरेज का, तो आपको स्टोरेज पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्टोरेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि कितना स्टोरेज आपका मोबाइल का यूज़ हुआ है और साथ में यहाँ पर दिखाएगा कि कैश डाटा कितना है। जैसे कि देख सकते हैं 4.91 GB है जो कैश डाटा है। आप लोग अगर मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे और स्टोरेज में जाएंगे तो वहाँ पर कैश डाटा का कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाएगा और क्लीनर से तो क्लीन नहीं करता है स्टोरेज का, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको यही सेटिंग अप्लाई करना है और कैश डाटा को क्लियर कर सकते हैं। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर कैश डाटा लिखा हुआ है उस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है, इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल का कैश डाटा है उसका क्लियर कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ी देर टाइम ले रहा है, कैलकुलेटिंग बता रहा है और आप देख सकते हैं कैश डाटा पूरा क्लियर हो चुका है, 126 MB मात्र बचा हुआ है, मतलब ये थोड़ा बहुत तो रहता ही है, ये जीरो नहीं हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा कि 4.9 GB तक का कैश मैंने क्लियर कर दिया इस मोबाइल से। तो आप देख सकते हैं स्टोरेज भी फ्री हो चुका है, 12 GB के करीब स्टोरेज मिल रहा है अभी, इससे पहले 7 GB था। और आप लोग यहाँ पर सेटिंग में भी जाकर देख सकते हैं अदर फाइल आपका थोड़ा सा कम हो चुका होगा, जैसे कि इससे पहले 17 GB था, अभी 12 GB बचा है। तो आप लोग इस तरीका को यूज़ कर सकते हैं अपने रेडमी पोको मोबाइल को कैश फाइल को क्लियर करने के लिए।
दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस अदर फाइल का पूरा डाटा क्लियर करने के लिए, तो मैंने उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो नेपाली में है तो आप लोग समझते हैं नेपाली, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को, अथवा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं हिंदी में भी उस वीडियो को बना दूंगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे इस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं हिंदी वाला वीडियो उसी पर मैं बनाने वाला हूँ आने वाला दिन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय नेपाल।